तो गाइस सुबह मैं उठ के मोबाइल देख रहा था बिस्तर पे सो के, तो मुझे भूख लग गया तो मैं किचन की तरफ चला गया और किचन में जाके देखा तो चौका भी नहीं जला था और बर्तन भी सारे खाली पड़े थे। कढ़ाई तो उल्टा ही पड़ा हुआ था और बर्तन उठा के देखा तो रात वाला भात उधर रखा हुआ था। तो मैंने सोचा करिश्मा को जल्दी से एक नाश्ता बना दो, तो इधर उधर देखने लगा तो वहाँ पे एक मुझे केला का वो दिखाई दिया। फिर मैंने एक केला लिया और वहाँ से छील के बढ़िया से छील के फिर खा लिया। केला खा ही रहा था तब तक फिर करिश्मा नहा के बाहर आई, तो करिश्मा को मैंने बोला जल्दी से मुझे नाश्ता बना दो क्योंकि मुझे आज जोर से भूख लगा है। फिर करिश्मा किचन की तरफ चली आई। फिर करिश्मा ने भी फटक से कुकर उठाई और अपना राशन स्टोर की तरफ चली पड़ी और वहाँ से 2 आलू 3 आलू उठाई और कुकर पे एक एक करके काट के डालने लगी। फिर आलू को बढ़िया से बेसन में जाके धोने के बाद ढक्कन बंद कर दिया। फिर हाथ में लाइटर लेके गैस का चूल्हा ऑन करके आग जलाई और कुकर को उसके ऊपर रख दिया। तो मैंने करिश्मा को पूछ लिया कि आज क्या बना रही है, तो करिश्मा ने मुझे प्याज काटते हुए जवाब दिया, तो मैं आज आपको आलू चप बना के खिलाऊंगी। आलू भी बॉयल हो चुका था और प्याज भी कट चुका था, तो मैं भी अपने चाय के लिए दूध लेके आ गया। दूध लेके आते ही करिश्मा ने भी एक एक करके आलू को छील लिया। आलू छीलने के बाद करिश्मा ने एक एक करके आलू को तोड़ दिया। सबसे पहले तो करिश्मा ने उस आलू पे कटा हुआ प्याज डाली, एक एक करके सारे प्याज डाल दिया जो कटा हुआ था। फिर उसके बाद कटे हुए कुछ मिर्चे थे तो उसको भी डाल दिया। फिर करिश्मा ने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ये गरम मसाला, ये धनिया पाउडर और ये लाल मिर्ची, उसके साथ में हल्दी भी डाली और लास्ट में 1 चम्मच नमक डाली। और थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाली। फिर सारे चीज़ों को एक साथ मिक्सअप करने लगी। सारा कुछ मिक्स करने के बाद करिश्मा ने उस आलू को फिर कुछ इस तरह से शेप दिया जो थोड़ा सा गोल गोल टाइप का दिखाई दे रहा था। फिर एक के बाद एक करिश्मा ने बना के सारे गोल गोल करके तैयार कर दिया और गिनने लगी। फिर फॉर्चून का बेसन लेके उसको मग्गा में डाली और फिर उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। फिर पानी में उसको इस तरह से घोल बनाई कि थोड़ा सा पेस्ट टाइप का बन जाए। फिर कढ़ाई को चूल्हा में रख के लाइटर से गैस को जला दिया और ये फॉर्चून ऑयल डाल दिया। फिर एक एक करके उसको तेल में डालने लगी। फिर धीरे धीरे करके आलू चप पकने लगा और करिश्मा उसको एक एक करके पलटने लगी। फिर कुछ इस तरह पकने के बाद करिश्मा ने एक एक करके सारे आलू चप्पों को निकलने लगी। फिर जो लास्ट में था उसको एक साथ पूरे आलू चप निकाल दिए। आलू चप तैयार होने के बाद करिश्मा चाय और आलू चप एक साथ ले आई और मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका था। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। चाय के साथ आलू चप खाने का टेस्ट तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, अगर पता नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर करिश्मा और मैं आलू चप और चाय का मजा लेने लगे। ब्रेकफास्ट करते करते
आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसे लगा, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल हमारे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ब्लॉग्स बनाते रहें और आप लोगों तक पहुंचाते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।